जींद उपचुनाव और भी काफी रोचक होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन राजनीतिक दल के सभी नेता एक दूसरे की राजनीतिक गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। शनिवार को जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ने अपने भाई अभय सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनेलो के पास जींद में खड़ा करने के लिए कोई प्रत्याशी ही नहीं है। अभय चौटाला कभी हाथी पर चश्मा पहनाने के मंसूबे मना रहे हैं तो कभी मांगेराम गुप्ता के दरवाजे पे जा रहे हैं। याद रहे अजय सिंह चौटाला शनिवार को पानीपत आए थे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल हो या राजनीति, जीतता वही है जो फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करे। अजय ने जींद उपचुनाव को सेमीफाइनल मैच करार देकर कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि सारे मिलकर जोर लगा दो, यदि जींद का सेमीफाइनल जेजेपी ने जीत लिया तो सत्ता का फाइनल मैच भी जेजेपी ही जीतेगी। विनर गोल्ड मेडलिस्ट वही होता है जो फाइनल जीतता है, और फाइनल वो जीतता है जो सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंचता है। आज सेमीफाइनल होने जा रहा है जींद की धरती पर, उपचुनाव है, उसी के लिए विशेष तौर पर आपको न्योता और निमंत्रण देने आया हूं, आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए आया। जिस तरीके से आपने पूरे प्रदेश से जाकर के वहां ताकत दिखाने का काम उस रैली में किया था, आज उस ताकत को वोट में तब्दील करने की जरूरत है। इसके लिए देश किसी की भी रिश्तेदारी है, कोई भाईचारा है, कोई मेल मिलाप है, कोई जानकारी है, और डायरेक्ट नहीं है चाहे कोई इनडायरेक्ट निकाल करके वहां पर जाए और आपकी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में उसका वोट डलवाने का काम करे। मांगना ही नहीं है, वोट डलवाने का काम करना है ताकि सेमीफाइनल को आप जीत जाए, फाइनल अपने आप लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई भी जो लोग बड़ी बड़ी डीले मारते थे, आज उनके हालात तो ये है कि वो हाथों में चश्मा पहनाते हैं। चालू करिए, बढ़ रही है, उम्मीदवार नहीं है, हाथी वालों के दरवाजे पर जाते हैं, कभी मांगेराम जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी किसी और को पकड़ रहे हैं। ये स्थिति उनकी है, उनकी नहीं, जो आज सत्ता में बैठे हुए 5 वर्ष से केंद्र की सरकार में और 4.5 वर्ष से हरियाणा की सरकार में, उनकी हालात भी यही है। वो भी दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करते हुए घूम रहे हैं कि कोई कैंडिडेट मिल जाए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ऐसे हालात उन राजनीतिक दलों के, इसलिए आपसे गुजारिश और विनती है कि जिन लोगों ने सत्ता में आने से पहले हमें बड़े बड़े वायदे किए थे, बड़े बड़े जुमले हमारे बीच में छोड़े थे, बड़े प्रलोभन दिए थे, उन लोगों को सबक सिखाने का अवसर है आपके पास। अजय ने कहा कि 15 को वह तिहाड़ जेल में वापसी करेंगे और मेरे जेल जाने के बाद पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता जींद उपचुनाव में बेहतर भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शमशेर वाल्मीकि, प्रवीण मित्तल व इनेलो से सुरेश गर्ग, बिट्टू शुक्ला एवं सोहनलाल बटला ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। अजय चौटाला ने दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चा से इनकार किए बिना ही कहा कि दिग्विजय के चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला कोर कमेटी करेगी। ये निर्णय करना मेरा काम नहीं, कोर कमेटी बैठ करके करेगी। उन्होंने कहा 8 तारीख को जेजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुरजोर शब्दों में दिग्विजय को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। तो भाई दिग्विजय चौटाला जी को इलेक्शन लड़ाने का काम करें। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।